बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जिन्हों की मौलिक इकाई में हम ज्ञान के लिए जीवों की सबसे जो छोटी व मौलिक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं, जो कि जीवों के लिए मूलभूत से संरचनात्मक व कार्यात्मक दोनों रूपों से महत्तम सभी जैविक क्रियाएं उनमें भी होती है। तथा इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ चुके थे, तथा अब हम आगे इस वीडियो में इसके आगे देखेंगे कि कोशिकाओं में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो इसके आधार में हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना, पहले हम देख लें कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। कोशिका की जब संरचना बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम आप लोगों को दोनों कोशिकाओं की संरचनाओं के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वो किस प्रकार से अपना कार्य या किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिसमें हमारे सारे सभी चीजें उपस्थित होती हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को बतलाया है कि पहले इसमें जो यह प्लाज्मा झिल्ली होती है, यह क्या होती है, डबल होती है, ठीक है। और तथा इसी प्रकार अब आप जीवाणुओं में जो भी देखेंगे तो उनमें क्या होता है, सिंगल लेयर में ही यह प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जिसके ऊपर क्या होती है, केंद्रिका आवरण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के बने होते हैं, जो केंद्रक होता है, जो डीएनए होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसके बाद इनमें जो भी केंद्रक है वो क्या है, सुव्यवस्थित होते हैं। इसके केंद्रक में हमारे डीएनए, आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन भी पाया जाता है, तथा इनमें केंद्रिका द्रव्य भी पाई जाती है, द्रव के रूप में। लेकिन ये चीजें हमारे इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि इनमें कोशिकाओं में सारे लगभग लगभग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया को ले लीजिए आप,
माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इनमें नहीं पाई जाती है या इनमें यह अपने किसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषक से, किसी दूसरे से, लेकिन माइटोकांड्रिया जो होती है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है तथा यह क्या करती है, हमारे भोज्य भोज पदार्थों को या उनकी ऊर्जा को अवशोषित करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करती रहती है तथा जब हमें आवश्यकता होती है तो यह क्या करती है, यह अपने एटीपी को तोड़ देती है तथा हमें ऊर्जा करने के लिए ऊर्जा देती है, फिर जो ऊर्जा बच जाती है उन्हें फिर एटीपी में यह परिवर्तित कर देती है। ठीक, फिर इसी प्रकार इनमें लाइसोसोम पाया जाता है जो गोलकों के रूप में उपस्थित होते हैं, इनमें यह लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो डीएनए होता है वह क्या होते हैं, इनके ऊपर कुंडलिनी संरचना होती है, इनमें ये सूत्राकार संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारे चित्रों द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंतर। जैसे कि आप जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इनमें लोगों मुफ्री आगमन होता है जिसको आप कहते हैं फ्लैजेला या कसाबी, फ्लैजेला या कसाबी कहते हैं। ठीक, अब आगे इसके बाद बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित संरचनाओं की व उनमें पाए जाने वाली घटनाओं की। कोशिका की संरचना की बात करते हैं हम, तो कोशिका की संरचना में हमारे इसमें सबसे पहली जो हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं। अब यह कोशिका कला होती कैसे है, तो यह कोशिका कला अगर ना हो तो भी किसी कोशिका का जीवन संभव नहीं है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि यह कोशिका के बाहर कोशिका की बाहरी दीवार होती है जिससे उसमें उपस्थित कोशिका द्रव्य उसमें उपस्थित जो कोशिका द्रव्य होती है क्या करती है, उसमें बदल होती है, कोशिका द्रव्य बाहर नहीं जा पाती यह लचीली पचहत्तर एंगस्ट्रॉम
संरचना को प्रदर्शित करता है। यह अर्धपारगम तथा यह प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। रॉबर्टसन ने इसकी यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यह हो गई प्लाज्मा झिल्ली। तो यह क्या होती है, यह हमारे कोशिका के चारों तरफ फैली हुई एक बाहरी संरचना होती है जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिससे वह से कोशिका द्रव्य बाहर नहीं जा सकता था। यह क्या होती है, लचीली 15-75 एंगस्ट्रॉम मोटी संरचना होती है तथा यह अर्धपारगम होती है तथा साथ साथ इसमें यह जो कोशिका या कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली होती है, यह क्या इसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की। इसकी संरचना को रॉबर्टसन ने बतलाया था, जिसे उन्होंने यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। अब इसके बाद अगली अब इसके कार्य देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो कार्य की बात करते हैं हम, कार्य तो कार्य में सबसे पहला कार्य जो होता है, यह कोशिका को निश्चित आकार देती है। पहला कार्य जो है कोशिका को निश्चित आकार। दूसरा कार्य क्या है इसका, यह कोशिका की सुरक्षात्मक या कोशिका का सुरक्षा का कार्य। तीसरा है, यह
कोशिका द्रव्य से बाहरी वातावरण से सुरक्षित करता है। यह पर्यावरण से कोशिका को सुरक्षित रखता है। उसका लास्ट कार्य जो होता है यह कोशिका में उपस्थित व्यर्थ या उपस्थित खराब पदार्थों को बाहर निकालना तथा जल का निश्चित अनुपात बनाए रखना। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आप लोगों में कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो यह कोशिका में उपस्थित ऐसा द्रव्य होता है जो कि प्लाज्मा नुमा संरचना में पाया जाता है लगभग, लेकिन इसमें हमारे बाकी सारे कोशिकाओं जो होते हैं वह तैरते रहते हैं तथा इसके द्वारा ही हमारे कोशिका के में कोशिकाओं का जीवन यापन संभव हो पाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली से चारों तरफ से घिरी हुई संरचना में पाया जाता है। यह एक जलीय द्रव्य के रूप में उपस्थित रहता है। धन्यवाद।